Subscribe to my channel Ready Steady Mom by hitting onto this red subscribe button. And don't forget to hit onto the bell icon so that you never miss any future updates. तो आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल बच्चों के लिए है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो खाने में बहुत नाटक करते हैं, तंग करते हैं। तो ये है मूंग की दाल के चीले। तो मैंने इसमें एक कप मूंग की दाल और एक कप मसूर की दाल ली है। तो मैंने जो मूंग की दाल ली है ये बिना छिलके वाली ली है। तो मैं इन्हें अच्छे से मिक्स करूँगी और इसे अच्छे से दो चार बार धो लूँगी पानी में निकाल के, और फिर इसे मैं रात भर जो है ऐसे ही पानी में भिगो के रखूँगी। तो अगर आप रात भर भिगोना नहीं चाहते हैं या फिर आप भूल चुके हैं भिगोना, तो आप दो चार घंटे के लिए भी इसे पानी में ऐसे सोक कर सकते हैं। तो ये मैंने रात भर भिगो के रखी थी, तो आप देख सकते हैं कि अब दाल जो है एकदम अपनी जो क्वांटिटी में डबल हो चुकी है, फूल चुकी है। तो अब इसे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और ग्राइंड करूँगी। जब आप ग्राइंड कर रहे हैं दाल को, तो एक तो आपको पानी का बहुत कम इस्तेमाल करना है, और इस पॉइंट पे आप कोई वेजीज भी अगर डालना चाहते हैं तो वो भी साथ में ग्राइंड कर सकते हैं, स्पेशली पालक। तो आज मेरे पास पालक नहीं है, नहीं तो मैं इसमें पालक के पत्ते डाल के मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ और उनका पेस्ट, ग्रीन कलर का एक पेस्ट बन जाता है जिसके मैं चीले बनाती हूँ। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और थोड़ा सा पानी, क्योंकि मेरे को इसे थोड़ा सा पतला और करना है। पर इस बात का ध्यान रखें कि इस घोल को ज़्यादा पतला ना करें, ये थोड़ा सा थिक रहे तो ही अच्छा है, स्प्रेड होने में भी आसानी होगी। तो ये है कंसिस्टेंसी जिसका घोल रखना है। यहाँ पर मैंने थोड़े से उबले हुए आलू लिए हैं अंदर की स्टफिंग बनाने के लिए, और अब साथ में मैंने एक प्याज छोटी वाली काट ली है और थोड़ा सा धनिया पत्ते और हरी मिर्च। आप जो भी वेजीज, आप जो भी सब्जियाँ ऐड करना चाहते हैं वो भी आप चॉप करके रख सकते हैं, जैसे मटर, गाजर या और कोई सब्जी, कैप्सिकम। तो अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है और इसमें तेल गरम हो रहा है, इसमें मैंने अब थोड़ा सा जीरा और हींग डाल के उसे अच्छे से फ्राई करूँगी, और उसके बाद में इसमें हरी मिर्च और ये प्याज अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अगर आपके बच्चे बिल्कुल भी तीखा नहीं खाते हैं तो आप प्लीज़ कोई भी मतलब मसालेदार चीज़ तीखी मत डालें, ना मिर्ची, ना लाल मिर्च, हरी मिर्च भी नहीं। तो अब इसमें मैंने मटर डाल दी है, मैंने फ्रोज़न मटर इस्तेमाल करी है, और साथ में मसाले डाले हैं जो है सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी। इसे मैं अच्छे से चला लूँगी, और अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अगर आप फ्रोज़न मटर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और रेगुलर मटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसे अलग से बॉयल कर सकते हैं जिससे कि वो पकने में ज़्यादा टाइम ना ले। मैं इसे थोड़ा सा ढक के अब इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी, और यहाँ मेरी मटर अच्छे से पक चुकी है, और इसमें मैं अब बॉइल्ड जो आलू थे जो मैंने मैश किए हैं वो मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी। सारे मसाले को हम अच्छे से चलाएं, और अब मैं इसमें ये थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, इससे खाने में जो इसका जो स्टफिंग है उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसे थोड़ी देर में ढक के पकने दूंगी। तो यहाँ मेरे आलू तैयार हो चुके हैं, तो अब इसमें मैं एंड में गार्निश के लिए हरा धनिया डालूंगी चॉप किया हुआ, और इसके बाद में मेरी स्टफिंग प्रॉपरली बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे चीले। तो चीले बनाने के लिए मैंने पैन ले लिया है, और उसमें थोड़ा सा घी मैं डालूंगी क्योंकि बच्चे के लिए बना रहे हैं तो घी ज़्यादा बेहतर रहता है। और इसे मैं अच्छे से कोट कर दूंगी पूरे पैन पे, और अब मैंने इसमें इस तरह से धीरे धीरे मैं गोल गोल चीले बनाऊंगी। तो आप चाहें तो पतले रख सकते हैं और थिक, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो मैं थोड़े पतले चीले बना रही हूँ, अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो आप थोड़े मोटे चीले भी बना सकते हैं, थोड़ा कम आंच पे थोड़ा ज़्यादा देर तक पकाना होगा बस, और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जब चीला एक तरफ से पक चुका है तो मैं इसे पलट लूँगी, और मुझे दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है अच्छे से। मीडियम आंच पे ही पकाएं, नहीं तो जल जाएंगे। तो यहाँ मेरा चीला बनके तैयार है। तो इसे मैंने एक पेपर टिश्यू पे निकाल लिया है जिससे कि एक्सेस ऑयल जो है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, और अब मैं प्लेट में लेके इस चीले पे जो उसकी स्टफिंग है वो फिल कर दूंगी, और मेरा ये चीला तैयार है। और अब इसे आप केचप के साथ में या और किसी चटनी के साथ में सर्व करें, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है।
और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो। जल्दी मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।